उष्ट्रासन। उष्ट्र एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है ऊंट। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति ऊंट के पीठ के उठे हुए हिस्से की तरह हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। हाथों को घुटनों पर रखते हुए शरीर को सर से पांव तक सीधा रखें। अब हम धीरे धीरे वज्रासन से अर्ध उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप आहिस्ता से घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अब अपने दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि आपकी उंगलियां जमीन की ओर हों। ध्यान रखें कि आपकी कोहनी एवं कंधे समानांतर हों और आपकी जांघें जमीन से बराबर 90 डिग्री पर हों। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी रीढ़ के निचले हिस्से की ओर से पीछे की ओर झुकें। सर को इतना झुकाएं कि आपको आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस हो। इस आसन को अर्ध उष्ट्रासन कहते हैं। अब हम अर्ध उष्ट्रासन से उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे, जिसके लिए धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़े। ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। उष्ट्रासन से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती है। ये आसन सर और सीने में रक्त संचार को बेहतर बनाता है। इस आसन को करने से दृष्टि में सुधार होता है। ये पेट और कूल्हों की चर्बी घटाने में मदद करता है। यदि आपको हर्निया, चक्कर या गठिया की शिकायत हो तो ये आसन ना करें। हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के रोगी ये आसन ना करें। अगर आपके पेट में चोट लगी हो या आप गर्भवती हो तो भी ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड इस आसन में रहने के बाद अब आप एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे से अपनी गर्दन को सामान्य करते हुए अपनी कमर को सीधा करें और वापस अपनी एड़ियों पर बैठते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। और अब वज्रासन में ही सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। उष्ट्रासन को नियमित रूप से करने पर आप कब्ज, जो कि शरीर के कई अन्य रोगों का कारण होता है, उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाकर एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं।